हमने मास्टर स्ट्रोक शुरू किया तो जिक्र सरोकार का ही कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि पेट्रोल की जिक्र था। पड़ोसी देशों में भारत से गया हुआ पेट्रोल ही सस्ते में और यहाँ पर महंगे में, बहुत सारे सवाल सरोकार रहने चाहिए, सरकार और सत्ता के और प्रधानमंत्री के भी। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीस घंटे पहले का ये रोड शो है। नई सड़क बनी तो प्रधानमंत्री सड़क पर निकल आए। और दिल्ली का तापमान कल जब 46 डिग्री पार कर रहा था तब प्रधानमंत्री ने गर्मी की चिंता किए बगैर रोड शो किया। तो गर्मी बढ़ रही है और देश में गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, दिल्ली में तो सबसे ज्यादा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो क्या विकास की परिभाषा ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 8 किलोमीटर 300 मीटर की सड़क के लिए 3,261 पेड़ काटे गए। और ये शहरी सड़क यूपी सीमा से मिलती है, जहां से डासना तक 19 किलोमीटर 300 मीटर की सड़क अभी बननी बाकी है और इसका टारगेट 2020 तक का है। दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी गेट तक एक्सप्रेसवे के इस करीब 8.3 किलोमीटर के हिस्से को जल्दी तैयार कर इसका उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन दिल्ली से मेरठ तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे का यूपी गेट से डासना तक करीब 19.3 किलोमीटर का हिस्सा मई 2020 तक तैयार हो पाएगा, यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद। तो दिल्ली की 8.5 किलोमीटर की सड़क का फायदा होगा क्या, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। पर यूपी बॉर्डर से लेकर डासना तक जो सड़क बनने वाली है उसमें 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। और खास बात तो यह है कि डासना से मेरठ तक 31 किलोमीटर 800 मीटर की सड़क भी अधूरी है और इसका टारगेट अक्टूबर 2019 तक का है। दिल्ली यूपी बॉर्डर से डासना तक 2020 में पूरा होगा और जो डासना से मेरठ गया है वो अक्टूबर 2019 में पूरा होगा। लेकिन अभी इस पूरे एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा अर्धनिर्मित है और इस पर काम चल रहा है। और इस रेंज की सड़क बनाने में भी तकरीबन 15,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो दिल्ली को जिस प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाने का जिक्र हुआ, उस दिल्ली की हकीकत यही होगी कि 60 किलोमीटर सड़क के लिए तकरीबन 30,000 पेड़ काटे जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सरकार बना नहीं पाई, तो ऐसे में नई नई कार खरीद कर दिल्ली जैसे शहर में कार की भरमार और प्रदूषण बढ़ाएगी। और आधे अधूरे सड़क निर्माण से जहां पर सड़क खत्म होती है वहां जाम के हालातों से बिना गाड़ी वाले लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। और आखिरी सवाल यही, क्या सड़क और कंक्रीट के जंगल को ही अब विकास मान लिया जाए? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।